राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम कर्नाटक। इतिहास गवाह है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विशाल खनिज संपदा और प्रकृति के विशेष वरदान के कारण ही भारत को ये नाम दिया गया। देश के इस गौरव को बढ़ाने में कर्नाटक प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मोहक है कि इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य के लिए प्रकृति के अनेक आकर्षण हैं। प्रकृति ने कर्नाटक को 3 भौगोलिक उपहार दिए हैं, समुद्र, पर्वत और मैदान। परंतु इन तीनों के होते हुए कर्नाटक इतना भाग्यशाली राज्य है जो भूविज्ञान की दृष्टि में भूचाल और भूस्खलन जैसी विपत्तियों से प्रायः सुरक्षित है। इतिहास के उत्थान और पतन के साथ साथ कर्नाटक की सीमाएं बदलती रहीं, परंतु कन्नड़ भाषी प्रदेश के रूप में मैसूर नाम से इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और कर्नाटक का इसका वर्तमान नामकरण 1 नवंबर 1973 को हुआ। देश की संपन्नता के लिए प्राकृतिक वन संपदा का बहुत महत्व है और कर्नाटक के सदाबहार वन हमारे राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक को प्रकृति से चंदन का बहुमूल्य उपहार मिला है। चंदन की बनी खुशबूदार धूप और अगरबत्तियों तथा चंदन की लकड़ियों से बनी कलात्मक चीजों ने इस राज्य को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। नीले आकाश को छूते हुए सह्याद्री पर्वतों की श्रृंखला ऐसे सदाबहार जंगलों से भरी पड़ी है जहां चंदन और टीक जैसी बहुमूल्य लकड़ियां हैं। साथ ही अनेक प्राणरक्षक जड़ी बूटियां भी इन्हीं घने जंगलों से पाई जाती हैं। शहद तो यहां पर काफी मात्रा में मिलता है। यूं तो कर्नाटक में सभी पहाड़ों पर घने जंगल हैं, परंतु ये जंगल 2 तरह के हैं, गीले और सूखे। सह्याद्री पर्वत के दोनों ओर गीले जंगल हैं। ये सदाबहार जंगल समुद्र स्तर से बहुत ऊंचे हैं। यहाँ के पेड़ इतने लंबे होते हैं कि वे लगभग 45 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये जंगल तरह तरह की कीमती लकड़ियों के खजाने हैं, परंतु सूखे जंगल कम वर्षा वाले थोड़े से क्षेत्रों में हैं। इन पर्वतों के जंगलों में पेड़ छोटे आकार के होते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों से यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक बनी रहती है। कर्नाटक में ऐसे अनेक पर्वतों पर पर्यटन स्थल बने हैं जहाँ लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो लेते ही हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी पहुँचते हैं। प्रकृति का ऐसा ही एक मनोरम स्थल है नंदी पर्वत। सन 1927 की बात है, बीमार होने पर महात्मा गांधी स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर 2 महीने तक रुके थे। प्रकृति ने कर्नाटक को बहुमूल्य पेड़ों और पर्वतों से सुसज्जित तो किया ही है, साथ ही खनिज पदार्थों की अपार संपदा भी दी है। प्राकृतिक संपदा में समृद्ध होने के कारण ही आज देश के खनिज भंडार में कर्नाटक का गौरवशाली स्थान है।
सोने को ही लें, धरती से निकलने वाला ये बहुमूल्य खनिज है। देश का लगभग सारा सोना कर्नाटक की सोने की खानों से ही निकाला जाता है। इतना ही नहीं, कोलार में बनी सोने की खाने दुनिया में सबसे ज्यादा गहरी हैं। इस राज्य में जहां एक ओर कम्मणगुंडी आदि स्थानों पर लोहे की विशाल खाने हैं, वहीं दूसरी ओर बड़गांव में बॉक्साइट की खाने हैं। इतना ही नहीं, क्रोमाइट खनिज की खाने तो शिमोगा, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग और मैसूर जैसे जिलों में फैली पड़ी हैं। इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रकृति ने कर्नाटक को खनिज पदार्थों से मालामाल कर दिया है। कर्नाटक में कावेरी, तुंगभद्रा, कपिला अनेक नदियां सदियों से बह रही हैं। प्रकृति के इस वरदान का कर्नाटक में वर्षों से सदुपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कावेरी नदी पर बांध बनाकर ये प्रबंध किया गया कि नदी का पानी बेकार न जाए। जगह जगह नहरें बनाकर नदी के पानी का उपयोग खेती के काम के लिए किया गया। कृष्णराज सागर बांध के फलस्वरूप मैसूर में देश की आजादी से पहले ही हरित क्रांति आ गई थी। इसके अतिरिक्त तुंगभद्रा परियोजना, नुगु परियोजना, ऐसी कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। ऐसा करने से राज्य में सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया है। प्रकृति से वरदान के रूप में प्राप्त नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई के अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इससे कर्नाटक में औद्योगिक प्रगति में भी तेजी आई है। सिंचाई के लिए कर्नाटक के अधिकांश भाग की केवल मिट्टी ही उपजाऊ नहीं, बल्कि यहाँ की जलवायु भी अनेक फसलों के लिए अनुकूल है। एक तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ, ऊपर से भरपूर पानी, यही कारण है कि कर्नाटक में ज्वार, धान और गन्ने की फसलें लहलहाती रहती हैं। कर्नाटक के उत्तरी और पूर्वी भागों की काली मिट्टी कपास की उपज के लिए बहुत अनुकूल है। इसीलिए यहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास की अच्छी किस्म की पैदावार होती है। देश में कॉफी के उत्पादन का अधिकांश भाग कर्नाटक से प्राप्त होता है। नारियल, सुपारी, काजू, इलायची, काली मिर्च यहाँ की प्रमुख बागानी फसलें हैं। कर्नाटक की जलवायु बागवानी के लिए इतनी अनुकूल है कि यहाँ के कुछ उद्यान विश्व प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से लोग इनकी सुंदरता देखने आते हैं। मनमोहक जलवायु के कारण ही कुछ लोग बंगलौर को उद्यानों का नगर कहते हैं, तो कुछ लोग इसे वातानुकूलित नगर कहते हैं। लाल बाग यहाँ का 100 वर्ष से भी पुराना सार्वजनिक बाग है। इस बाग में ऐसे ऐसे पौधे और वृक्ष हैं जो देश विदेश से लाकर यहाँ एकत्र किए गए हैं। लगभग 2 किलोमीटर के घेरे में फैले लाल बाग में जहाँ तहाँ नकली पहाड़, झरने और फव्वारे हैं। यहाँ पर भी प्रकृति के वरदान और मनुष्य की कलात्मकता का संगम देखते ही बनता है। मैसूर का वृंदावन गार्डन किसी परीलोक से कम नहीं। इस उद्यान के प्राकृतिक सौंदर्य को मनुष्य द्वारा ऐसे कलात्मक तरीके से सजाया गया है मानो धरती का स्वर्ग यहीं पर है। कर्नाटक में कई स्थानों पर सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात बनी हैं। झरने के रूप में बहुत ऊंचाई से गिरती हुई नदी की तेज धाराएं तो बस देखते ही बनती हैं।
इनमें जोग प्रपात और शिव समुद्र प्रपात दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। जोग जलप्रपात में 200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से नदी की चार धाराएं गरजते हुए नीचे गिरती हैं। ये धाराएं अपने गिरने की प्रकृति के अनुसार राजा, रानी, रोरर और रॉकेट के नाम से जानी जाती हैं। चांदनी रात में प्रकृति के इस दृश्य को देखकर आंखों को शांति मिलने लगती है। शिव समुद्र जलप्रपात में लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। इस जलप्रपात में दो धाराएं हैं, गगनचुक्की और भरचुक्की। ऊपर से गिरते हुए पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चारों ओर इंद्रधनुष बन जाते हैं। इन जलप्रपातों को, यहाँ के मोहक प्राकृतिक दृश्यों को घंटों देखते रहने पर भी मन नहीं भरता। कर्नाटक देश का ऐसा राज्य है जिसकी अधिकतर सीमा पश्चिम में अरब सागर से मिलती है। प्रकृति के इस वरदान का कर्नाटक वासियों ने भरपूर लाभ उठाया है। समुद्र के किनारे रहने वाले अधिकांश लोगों की जीविका मछलियों के व्यापार से होती है। यहाँ पर समुद्र से तरह तरह की मछलियाँ काफी संख्या में पकड़ी जाती हैं। इनकी खपत केवल कर्नाटक में ही नहीं होती बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इन्हें भेजा जाता है। इस समय देश की लगभग 10% मछलियाँ कर्नाटक के समुद्र तट से ही पकड़ी जाती हैं। मैसूर के जंगलों में बहुत हाथी पाए जाते हैं। यहाँ की हाथी दांत से बनी चीजें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सर्कस के लिए या चिड़ियाघर के लिए हाथियों को इन जंगलों से पकड़ा जाता है। हाथियों को पकड़ने का तरीका आसान तो होता है लेकिन इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए उन्हें घेर कर किसी ऐसी जगह की ओर दौड़ाया जाता है जहां पहुंचने का केवल एक ही रास्ता होता है। ऐसा करने के लिए तमटे यानी ढोल नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाया जाता है। जब हाथी उस जगह पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता अचानक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पालतू हाथियों की मदद से इन जंगली हाथियों को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे पालतू बनाया जाता है। कर्नाटक में ऐसे ऐसे अभयारण्य हैं जिन्हें वन प्राणियों का स्वर्ग कहा जाता है। अभयारण्य यानी ऐसा स्थान जहां पर पशु पक्षी बिना किसी भय के घूम सकते हैं। यहां पर बाघ, हिरण, हाथी घने जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बंगलौर मैसूर सड़क से कुछ दूर कावेरी नदी पर स्थित रंगनतिट्टू ऐसा ही एक अभयारण्य है। इस अभयारण्य में समुद्र पार से आने वाले पक्षी आनंद से किल्लोल करते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों का चहकना तो बस देखते ही बनता है। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। महाकवि पंपा ने अपने काव्य में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व वर्णन किया है। ஆர் அங்குஷ விட்டொடம் நினவுதென்ன மனம் ஆ பனவாசி தேசமம். கவி को गर्व है कि वो कर्नाटक वासी है। कवि का कहना है कि यदि कोई मेरे विचारों पर प्रतिबंध लगाने की चेष्टा करे
तब भी मेरा मन अपने बनवासी देश यानी कर्नाटक के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। महाकवि पंपा के अतिरिक्त अन्य साहित्यकारों ने भी कर्नाटक के प्राकृतिक दृश्यों का कन्नड़ साहित्य में बेजोड़ वर्णन किया है। एक प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविता में कर्नाटक के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है। कर्नाटक प्रकृति का ऐसा अनुपम स्थान है जहां सदाबहार जंगलों के वृक्षों की चोटी पर बैठी कोयल अपनी तान छेड़ती है। यहां के तालों में कमल ही कमल खिलते हैं और वनों में चंदन उगता है। कितने सौभाग्यशाली हैं कर्नाटकवासी जिनके पास इन दोनों की महक पहुंचती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता राष्ट्रकवि कुवेंपु ने कर्नाटक की भूमि का गुणगान करते हुए कहा है, जिस पर्वत पर वो चढ़ते हैं वो सह्याद्री पर्वत है, जो जल वो पीते हैं वो पावन तुंगा का जल है, और उनके गांव के लोग जो भाषा बोलते हैं वो विशुद्ध कन्नड़ है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कर्नाटक। आलेख भगवान दास वधवा, वाचन स्वर अर्चना प्रभाकर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, विषय संयोजन और प्रस्तुति स्वर्णा गुप्ता, श्लोक वाचन तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।